وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله, الله, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की हद दर्जा चाहत होनी चाहिए जिस तरह से अहले मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में रोज़ाना मदीना से बाहर जा जा करके इंतज़ार करते और ना आने की सूरत में मायूस वापस हो जाते थे इसी तरह से एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि उन्होंने कहा उन्हें अफसोस हुआ तशवीश हुई कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम आप मेरे नफ्स मेरी औलाद और मेरे पास जो कुछ है सारी चीज़ों से ज़्यादा आप मेरे नज़दीक महबूब हैं लेकिन मुझे तकलीफ़ ये है कि जब लोग जन्नत में जाएंगे आप नबियों के सरदार हैं और मैं कहाँ एक मामूली इंसान तो वहाँ आपके दीदार से आपकी रिफाकत से आपकी सोहबत से महरूम रहूँगा ये तकलीफ़ ये परेशानी मुझे सता रही है उस मौका पर ये आयत नाजिल हुई

कि ज़्यादा अमल करना एतात रसूल ना करने से बेहतर है अफसोस का मकाम है ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम की इतवा की क्या अहमियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम ने एक हदीस के अंदर औरत की नमाज़ उसके घर के अंदर हो यह मस्जिद के मुकाबल में ज़्यादा अफजल करार दिया आपने आप सल्ला व् ये हदीस बयान कर रहे हैं आपने पूरी ज़िंदगी मक्का, मदीना या जंगों में कुछ और बाहर गए हैं वरना यहीं आपने गुजारा है यह हदीस आप अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐसी मुकद्दस सरजमीन में कि उस सरजमीन का आलम यह है कि अगर ख़ान काबा मस्जिद हराम में कोई नमाज पढ़ता है तो एक वक्त की नमाज़ एक लाख के बराबर है दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में और मस्जिद नबी में एक वक्त की नमाज एक हज़ार से ज़्यादा अफजल है दूसरी मस्जिदों के मुकाबले अब एक खातून के लिए आजमाइश है वो घर में पढ़ती है इतबा रसूल की वजह से और मस्जिद में जाके पढ़े तो उसको इतना ज्यादा सवाब मिलेगा लेकिन ऐसा कई सहाबियात के बारे में आता है कि उन्होंने इतबा की खातिर घर में पढ़ना गवारा किया मस्जिद नहीं गई इस फजीलत को हासिल करने के लिए तस्वर कीजिए ये ख़ातून इतबा की खातिर एतात रसूल की खातिर घर में अगर पढ़ रही है तो उसको मस्जिद नदवी और मस्जिद हराम से कहीं ज़्यादा सवाल मिल सकता है यहाँ फरमाया अल्लाह रब्ज़त ने कि जो अल्लाह उसके रसूल की अतात करता है तो रोज़ क़्यामत वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह रबुजत का इनाम हुआ है अल्लाह रबुजत का इस दुनिया के अंदर चंद गिने चुने लोगों पर इनाम हुआ है वो कौन है अम्बिया कराम जिनमें सही सर फहरिस्त सारे अम्बिया के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व्म वद्दीक़ी अल्लाह के नबियों के बाद अल्लाह के सच्चे लोग और इन सद्दीक़ी के सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं क्योंकि यह है, अम्बिया और रसूल के बाद सारी इंसानियत में सबसे अफजल इंसान हैं उसके बाद है व और शहीद लोग उम्म मोहम्मदिया के अंदर अबू अबूबक ऱी अल्लाह के बाद दूसरा दर्जा आता है सैदना उमर ख़त्ताब रजी अल्लाह तुम का और तीसरा दर्जा है सैदना उस्मान रजी अल्लाह तुम और चौथा दर्जा है सयदना अलीअर्तद रजी अल्लाह तुम और ये सब के सब सर इन शहदा में सर फ़हरिस्त आते हैं उसके बाद वाले और फिर दीगर नेकोकार लोग हैं अल्लाह के नबी सल व्ल् ने फरमाया इन लोगों के साथ एताद करने वाला होगा अगरचे रुतबे में मरतबे में दर्जात में फ़र्क हो सकता है लेकिन वहाँ नबी करीम सलील्ह्स वहबत से महरूम नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक सहाबी रबिया बिन काब के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि आसम की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करते थे अल्लाह के नबी सल्हलम इनसे मुतािर हुए तो उन्होंने कहा जो मेरे अंदर है मैं जिस पर कादिर हूँ उसका मुझसे सवाल करो तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम असअल का मुराफ कर चुका फिर मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ आपकी सोहबत चाहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या उसके अलावा कुछ और चाहते हो कहा कि बस यही चाहते हैं तस्वूर कीजिए ये दुनियादार और दीनदार में फ़र्क की ये, ये, ये वाज मिसाल है कि एक दुनियादार दुनिया का तलबगार होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को मजीद मौका दे रहे हैं कुछ और मांगो में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा तुम्हारे लिए लेकिन ये कह रहे नहीं बस मुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहिए आपकी सोहबत चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नुस्खा बताया अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर ऐसी सूरत में फ़ाइल अला नफसी का भी कसरतुचूत लिहाजा तुम ज़्यादा नवाफिल के ज़रिया मेरी मदद करो और इन शसरत नवाफिल के ज़रिया तुम्हें जन्नत में मेरी सहबत मेरी रफाकत नसीब होगी साहब कराम रजवानल आल मजमैन की ज़िंदगी में देखना हो तो उनके यहाँ किस कदर नबी करीन सल व की सहबत आपके साथ रहने की तमन्ना बढ़ी हुई थी इसका अंदाज़ा ग़े हुनैन के वाक़े से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्हुसम ने उस मौका पर अभी मक्का फ़तेह हुआ था नए नए लोग मुसलमान हुए थे उनकी तालीफ़ करते हुए उनकी दिलजोई करते हुए माल गनीमत का ज़्यादातर हिस्सा उन्हें आपने दिया उस मौका पर अंसार मदीना को ये एहसास हुआ कि शायद अब फतह हो चुका है और आपकी नवाजिशें आपके इनामात और आप मक्का वालों को ज़्यादा दे रहे हैं शायद अब आप मक्का ही में रहेंगे चुनानचे उन लोगों ने इस चीज़ का इजहार किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ बाई से ख़ुशी नहीं है कि लोग माल ऊँट और इन साजो सामान के साथ अपने घर वापस होंगे और तुम अल्लाह के रसूल के साथ वापस होगे साहब कर ने ख़ुशी में कहा कि हमें बस और कुछ नहीं चाहिए हमें अल्लाह के नबी वसल्लम चाहिए इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की तमन्ना चाहत और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जो एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए इसका अंदाज़ा एक हदीस से लगाएँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो उस मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुजूर की टहनियाँ रख कर के ताकि आप उस पर टेक लगा करके आप खुतबा दिया करें बाद में जब आपके लिए मिंबर तैयार किया गया तो वो खुश्क टहनियाँ टहनियों को हटाया जाने लगा और आपने मिंबरे रसूल जो नया बना उस पर आप खड़े होने के लिए जा रहे थे कि वो मिंबर जो पुराना था वो टहनियों से बना मिंबर उससे रोने की आवाज़ आई और इस तरह से जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है ये अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के साथ एक मुझा था आप अलैहि वसल्लम उस टेहनीय के पास जा कर के अपना हर हाथ इस तरह से थपथपा रहे हैं जैसे बच्चे को खामोश किया जाता है और फिर ये रोने की आवाज़ बंद हो जाती है उन टहनी को आप से जुदाई का इस कदर कलक था इसका यो इजहार हो रहा था नादिन कराम ये सही बुखारी के अंदर ये रिवायत आई हुई है हसन बसरी रजी अल्लाह तह रहे हैं कि ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों एक टहनी जब आपकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो तुम उससे ज़्यादा हकदार हो तुम्हें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत लगाओ आपकी सुन्नतों पर मरमिटने का जज्बा उसके मुकाबिल में उस बेजान चीज़ों के मुकाबल में कहीं ज़्यादा होना चाहिए नबी करीम अलैहि वसल्लम से महब्बत की तीसरी अलामत यह है कि हमारे अंदर आप हु के हुक्म पर मर मिटने का मुकम्मल तौर पर अपने अंदर ताकत होनी चाहिए अपने जान और माल को कुर्बान करने के लिए हमें पूरे तौर पे तैयार होना चाहिए इस सिलसिले में अगर हम साहब के राम की ज़िंदियाँ देखें तो हमें बहुत सारी नज़ीरें मिल जाएंगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे और मशिकीन मक् ने ऐलान किया था कि जो नबी का सर लेकर आएगा तो हम उसको ये ये इनाम देंगे चुनान लिए सराखा बिन मालिक बिन जोशम ने पीछा किया और करीब था कि वो आप तक पहुंच जाए उस मौका पर हज़रत अबू बकर जो 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 आपके यार गार थे सफ़र के साथी थे उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबीस वसम वो पीछे आ गए हैं आप सलील्हुसम ने हज़रत अबू बकर की इस तकलीफ़ को ख़त्म करते हुए और उन्हें हौसला दिलाते हुए जो फ़रमाया था अल्लाह रब्लत ने कर्न करीन में इसको तस्करा किया है ईद यक़ूल साहिब ही ला तसन कि उनमें से एक अपने साथी से यानि सल्लम अपने सहाबी अबू बकर ऱील्ला तैनों से कह रहे हैं आप गमज़दा ना हो अल्लाह हमारे साथ हैं इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्ह्स के साहबा कैसी महब्बत करते थे ज़ैद इबन दथना रज़ील्ला तैन जो 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 अपने चंद साथियों के साथ कहीं जा रहे थे और मुश्किन मक् ने उनको क़ैद कर लिया और जैद बिन दथना को ले जा कर के मक् ले गए और उन्हें कत्ल करने जब जा रहे थे तो उनसे लोगों ने कहा कि ये बतलाओ कि क्या तुम अपनी जगह मोहम्मद अलैहि वसल्लम को क़त्ल किया जाना या कत्ल करना पसंद करोगे उस मौका पर जो उन्होंने तारीख़ी जुमला बयान किया था वो आज भी सीरत की किताबों में मौजूद है उन्होंने कहा कि हम तो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हम यहाँ पर अपने बच्चों में आराम और ख़ुशी से रहें और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के जिसम में आपके पाँव में कांटा चुभ जाए ये थी उनकी महब्बत उसी मौका पर अबू सफियान रदी अल्लाह तभी मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने कहा था माराई तो मिन आहदिन यो अहदन आहदन का हब्ब अब महम्मदिन महमदा मैंने किसी भी इंसान को ऐसा नहीं देखा जो किसी से महब्बत करता हो उसकी महब्बत उस तरह से हो जिस तरह से मोहम्मद रबी सल्लि वसम के साथियों की महब्बत मोहम्मद सल्हली वसम से थी इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की महब्बत और आपके लिए कुर्बानी का जज्बा देखना हो तो अबू तलहा रजी अल्लाह तु के इस वाक़े को याद रखें कि जंग उहुद के मौक़ा पर जब तीरों की बौछार हर जानब से होने लगी तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तल रजियल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर के अपना सीना पेश कर दिया कि तो उधर से तीर की जो बौछार हो रही है वो नबी करीम सल्ला वल् के जिसम पर लगने के बजाय मेरे जिसम पर लगे मेरे सीने पे लगे और उसी मौका पर उन्होंने कहा था नहरी दूना नहरी ना न हरी ए नबी करीम सेरा सीना आपके लिए कुर्बान है और उस दिन उनको बहुत ज़ख़म आए उसी दिन उनके उनका हाथ शल हो गया था काम करना बंद कर दिया था इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् से सहबा किस कदर महब्त करते थे अपने आप को किस कदर पेश करते थे मुसाब मुसाभिन उमय रज़ी अल्लाह इसी जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अब वो हमारा रज़ील्ला तैन हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त करते करते बहुत ज़्यादा ज़ख़में खाई थी इन्होंने इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का अंदाज़ा देखना हो या आपके लिए कुर्बानी का जज्बा देखना हो तो आप अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया इसी जंग में जंग उहुद में उनका बेटा उनका शौहर उनका भाई उनका बाप ये सब शहीद हो जाते हैं और सब की शहादत की खबर मिलती है लोगों को ये महसूस होता है लोग ये सोचते हैं कि शायद ये खातून इनका नाम सुन कर के इनकी शहादत की खबर सुन करके बेचैन हो जाएगी परेशान हो जाएगी और वो खातून बेबस और हिम्मत हार जाएगी लेकिन इन सब का नाम सुनने के बाद वो पूछती है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम कैसे हैं जब लोगों ने ये बतलाया कि नबी करीम वसल्लम ठीक हैं आप पर कोई परेशानी नहीं है तो उस खातून ने कहा आपके बाद ये सारी मुसीबतें हमारी निगाह में हैज हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है नादरी कराम ये है जज्बा कुर्बानी का हमारे अंदर होना चाहिए अगर हम सच्ची मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं इस ज़माने में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर मर मिटने का जज्बा हमारे अंदर है तो याद रखिए ये है आपसे मोहब्बत की वाज दलील है लिहाजा ये चौथी अलामत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है और जिन चीज़ों से बाज रहने की आपने तलकिन की है हमें उस पर पूरा उतरना चाहिए सहाब के राम रानल् मजमैन तकरीबन सोलह महीने तक खान काबा के बजाय बैतुलमक की तरफ़ रुख करके नमाज़ पढ़ते मदीना आने के बाद और आप सल्ल व ख़ुद और साहब के राम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि आप खान काबा की जानब रुख करके नमाज़ पढ़ें और आप सल्ला वम भी इसी इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताली की जानब से हुक्म आए लेकिन यहाँ देखिए उनके यहाँ एतात का जज्बा क्या है कि रुकू के आलम में है और एक आन एक शख्स आके खबर दे रहा है कि किबला तहवील हो गया है अब किबला खाने काबा हो गया है मक्दिस के अलावा आ नमाज के वक्त रुकू के आलम में वह अपने रुख को खान काबा की तरफ़ मोड़ लेते हैं महज एक आदमी के कहने की वजह से जहाँ एक तरफ़ साहब कर राम रजवानल के जज्बे का पता चलता है एतात रसूल का जो जज्बा उनके सीनों में था उसका अंदाज़ा होता है वहीं दूसरी तरफ उस जमाने में लोग किस कदर सच्चे थे किस कदर एक दूसरे पर एतम करते थे कि अपनी पूरी नमाज जो उनके यहाँ कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल थी उस नमाज को यह महसूस यह खतरा था कि हो सकता है झूठा हो लेकिन नहीं उन्होंने आये नमाज के मौका पर अपना रुख खान काबा की तरफ कर लिया इसी तरह से क़राम के यहाँ एताद का जज्बा कैसा था नबी करीम वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं आप जूता पहन करके नमाज पढ़ा रहे हैं क्योंकि कच्ची जमीन थी नमाज की हालत में सही बुखारी की रिवायत है अल्लाह के नबी सल वसलम ने अपने दोनों जूते निकाल दिए साहब के ने देखा कि आप सल्ही वसम जूते निकाल रहे हैं चुनानचे सारे लोगों ने अपने जूते चप्पल नमाज की हालत में निकाल दिए जब आप वसल्लम नमाज से फारिग हुए और आपने देखा कि लोग अपने जूते चप्पल निकाल दिए हैं तो आपने पूछा क्यों ऐसा आप लोगों ने किया साहबा ने कहा हमने देखा कि आपने निकाला है चुनाचे हमने भी निकाल दिया अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि मेरे पास जिब्राई लाए थे और उन्होंने कहा कि आपके जूते में गंदगी लगी हुई है इसलिए आप जूते निकाल दें मैंने निकाल दिया लिहाजा आप लोगों के जूते में गंदगी का शायबा तो नहीं था कहने की बात यह है कि यह जज्बा था उनके यहाँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उसे हम करेंगे इसी तरह से सहाब के राम रजवानल आजमैन की ज़िंदगी में शुरू शुरू में किस कदर गुरबत थी किस तरह परेशानी थी और उस मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मर मिटने का जज्बा जो था वो देखने के काबिल है कि उनके यहाँ शुरू शुरू में गुर्बत और इफलास बामुकाबिल बाद के ज़्यादा थी और उसी मौके पर उनके लिए उनके यहाँ गधे के गोश्त के खाने की इजाज़त थी चुनानचे सनसात हिजरी में जंग खैबर जब हुई तो उस मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान किया कि गधे का गोश्त खाना जायज़ नहीं उस मौका पर रिवायतों में आता है कि खाना पक रहा था हाडियों पे गोश्त चढ़ा हुआ है ये हुक्म आता है सबों ने हाडियाँ उलट दी और फेंक दिया और उसको नहीं लिया इसलिए कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना किया इसी तरह से शराब उनकी गुत्थी में उनके जहनो दिमाग में बहुत बुरी तरह से शराब की हुई थी लेकिन जब ये शराब की हुरमत आती है और ये ऐलान होता है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दिया है सहाबा कहते हैं कि लोगों ने शराब के मटके शराब के बर्तन और शराब इस तरह से फेंके कि ऐसा लगता था कि मदीना के अंदर शराब की नहरें बह रही हैं इसी तरह से सहाबियात हमारी माओ बहनों के लिए इबरत है कि सहाबियात के यहाँ भी ऐसे ही जज्बा था उससे कम नहीं था जब हिजाब का हुक्म नाजिल होता है तो रातों रात वो अपने लिए चादर बुरख़ा और इस तरह से हिजाब का तैयार करके और फजर की नमाज़ में जो ख़वातीन मस्जिद में जाती हैं वो अपने आप को लिबास में हिजाब में मलबूस करके छिपा करके जाती हैं ये जज्बा था उनके यहाँ जैसा कि अम्मायशा सिद्दीक रजा अल्लाह बयान किया है नादरी किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलील्हल से महब्बत की जुमला अलामतों में से एक अलामत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वम की सुन्नत की नसरत और उसका दिफा करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है चाहे हालात कैसे भी हों हर हालत से निमटना और आपकी सुन्नत पर अमल करना एक मुसलमान का शेवा है अबू बकर सिद्दीक सैदनाबूबकर रज़ील्ला जब खलीफा बनाए जाते हैं उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया था कि उसामा रजी अल्लाह तहों की जो कि अभी अट्ठारह साल की उम्र के थे उनकी सरकर्दगी में उनकी क़ियादत में एक लश्कर रवाना करें रूमियों से लड़ने के लिए चुनानचे जब आप बीमार पड़े तो उसे ताखीर करने का वक्ती तौर पर उसे रोक दिया गया जब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रजील्ला खलीफा बने तो उस मौका पर अब भेजें या ना भेजें इस सिलसिले में सहाब कराम रजवानल्ला मजमैन के यहाँ दोनों तरह की राय थी और उस लश्कर में अबू बकर जैसे बड़े बड़े सहाब कराम रजवानल आजमीन का भी नाम था और उसके कायद एक गुलाम का बेटा एक कम सीन शख्स उसामा बिन जय जो अल्लाह के वसल्लम के बहुत ज़्यादा चहेते थे वो थे इसलिए साहब कराम के जहन में ये बात थी कि उसामा की सरकरदगी में ना भेजा जाए या अभी ना भेजा जाए इस तरह की बात थी हजरत अबूबक रजी अल्लाह तहों ने उस मौके पर जुरात का मुजाहरा किया और कहा नहीं ये लश्कर जाएगा और जाएगा ही नहीं बल्कि सैदना अब्बक सद्दीक ऱी तनों उसामा बिन जैद को कहते हैं कि तुम सवारी पे सवार हो उसकी नकेल पकड़ करके ख़ुद मदीना के बाहर तक उनको नसीहतें करते हुए जाते हैं और अल्लाह के फ़लो करम से वो जंग जीत कर आते हैं और लोगों के जहन में सिक्का बैठ जाता है कि मुसलमान हर तरह के हालात में मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में सुन्नत पर क़ायम रहते हैं नबी की वफात का कलक है लेकिन उसके बावजूद दीन की सरबलंदी का जज्बा उनके यहाँ सर्द नहीं हुआ है इसी तरह से हज़रतब्दीक रजी ही के ज़माने में जब बहुत सारे ने सर उठाया उसमें मुरतद्दीन का फितना इतदाद का फितना ज़क़त ना देने वालों का फितना नबूवत के दावेदारों का फ़ितना बहुत सारे फितने थे उस मौका पर ज़क़़़़़त जो ना देने वाले थे उनके ताल्लु से बाहबा जैसे उमर रजी अल्लाह तू और लोगों की राय ये थी कि जो ज़क़़त नहीं दे रहे हैं उनको हम काफिर क्यों समझें और उनके खिलाफ जंग क्यों करें हज़रत अबू बकर की राय थी कि अल्लाह रबुल्ज़त ने कुरान करीम के सूर तबा में फरमाया फ़ा इन ताब व अकाबला वात ज़क़ात फ़ैन फदी अगर कोई शख्स तोहैद पर क़़ायम है नमाज़ पर कायम है और ज़क़़़़़़त की अदायगी करता है तब तुम्हारे भाई वहीं पर एक दूसरी आयत में है फ़ल्लुसबील अगर वो नमाज तोहैद पर क़ाइम है नमाज़ क़ायम करते हैं ज़क़़़़़़त देते हैं तब उनका रास्ता छोड़ो उनसे जिहाद न करो हज़रत बकर इसी मौके पर क़ायम थे और उन्होंने कहा नहीं बल्कि उनका वो तारीख़ी जुमला याद है अल्लाह की कसम अगर कोई शश नबी करीम अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी देता था और आज अगर देने से इनकार करता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ूँगा ये और इस किस्म की बेशुमार नज़ीरें बेशुमार दलीलें बेशुमार ऐसे वाक़ात साहब कराम की ज़िंदगी में मौजूद हैं कि वो दीन के लिए अपनों परायों और किसी की कोई परवाह नहीं करते थे जो हक़ है उसको तस्लीम करते थे ये अलग बात है कि उसको अच्छे अंदाज में पेश करना और उस पर कायम रखना ये उनका शेवा होता था नादिन कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल से महब्बत हम अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए भी आइए चंद चीज़ें पेश करते हैं अल्लाह के नबी सल वम से अगर हम महब्बत करना चाहते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत को अच्छी तरह से पढ़ना होगा आपके हलिए को आप कैसे थे उनको देखना होगा आपके सीरत किरदार, आपके करीमाना वगैरह को अच्छी तरह से जहन बिठाना होगा खसूस आप की वफ़ात के मौके पर जो बातें हैं वो भी हमारे दिल के अंदर असर करने वाली हैं उनको भी देखना होगा इसी तरह से आप सल्ह वम ने हम्मत हम पर जो एहसान किए हैं उन एहसान को भी बग़ौर पढ़ना और हो, देखना होगा और ज़ुबान से दिल से और अमल से उन चीज़ों का इजहार करना होगा इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत के आइए दो तीन फ़ायदे बयान कर देते हैं उनमें से पहला फ़ायदा अल्लाह ताला ने फ़रमाया कुलन कन तुम तोब्बू अल्लाह फ़त तबिन यूकमल्ल अगर अल्लाह से महबत करते हैं तो रसूल की इत कीजिए उसका फ़ायदा क्या होगा पहला फ़ायदा यह है अल्लाह हमसे महब्बत करेगा दूसरा फ़ायदा होगा ये होगा हासिल कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा इसी तरह से ईमान की हलावत में मिल जाएगी जैसा कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह उसके रसूल की महब्बत सबसे ज़्यादा है तो ईमान की हलावत मिल जाएगी और इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फ़रमाया कि इंसान इस दुनिया में जिससे महब्बत करता है क़्यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र होगा नादरीन कराम अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लामी तो हमारे दिलो दिमाग में अपने रसूल की सच्ची महब्बत को बिठा दे और हमारा हशर क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में आपकी नसीब फरमा आमीन उमा आलैनबलाकम वरम वबरकू